हेलो एरीज, वेलकम टू गुरु माँ हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि आपका पैचअप होगा या नहीं, और होगा तो कब तक होगा। सो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप सेपरेशन में हैं, आपका पर्सन आपसे दूर हो गया है और आप ये सोच सोच के परेशान हैं कि पता नहीं वो कभी वापस आएंगे या नहीं, आपका पैचअप होगा या नहीं और होगा तो कब तक होगा। सो ये रीडिंग आपको बहुत सारे मैसेजेस दे सकती है इस बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। Messages for Aries. Nine of Wands, the Empress, Two of Wands in reverse, Five of Cups, and Four of Pentacles. Okay, so Two of Wands reverse में है Aries। लगता है जैसे ये person बहुत ज्यादा anxious है, mental level पे ये person बहुत ज्यादा परेशान है, depressed हो सकता है इस वक्त, और जैसे कोई direction नहीं नजर आ रही इस वक्त। ये person ऐसे feel कर रहा है जैसे कि इस relationship में जितने भी obstacles थे, जितनी भी problems थी, वो उन्हें खुद ही क्रिएट करते गए, और अब उनके लिए इसे रिमूव करना बहुत मुश्किल हो रहा है। ऑल्सो इस पर्सन को ये भी लगता है जैसे कि वो आपके भरोसे के काबिल नहीं है। ऑल्सो इस पॉइंट पे एरीज, अगर उन्हें कोई चांस मिले भी आपको अप्रोच करने का, और अगर वो इतनी हिम्मत दिखाएं कि वो आपको अप्रोच करे भी, तो भी कुछ सॉल्व नहीं होने वाला, बिकॉज आप उनको अबाउट ट्रस्ट नहीं करते। इनफैक्ट द एम्प्रेस के साथ एरीज, ये पर्सन आपको लगातार देख रहा है। ओके, ये पर्सन आपसे सेपरेटेड हो सकता है, आपसे दूर हो सकता है, बट इनकी दिलचस्पी आप में कहीं से भी कम नहीं हुई है। ये पर्सन आपके बारे में सब कुछ जानना चाहता है। ये पर्सन ये सोच के परेशान है कि पता नहीं इस वक्त आप कैसा फील कर रहे होंगे, आपके क्या थॉट्स होंगे, आप क्या चाहते हैं। और ये पर्सन ये भी सोच रहा है कि शायद उन्हें कुछ और वेट करना चाहिए, वक्त के साथ एवरी सब कुछ ठीक हो जाएगा और आप दोनों क्लोज आ जाएंगे। इस पर्सन को लगता है कि जो भी हो रहा है वो इतना सिंपल नहीं है, और इसे हैंडल करने के लिए आपको भी कुछ वक्त चाहिए होगा। जो उन्होंने किया है उसे भूल पाना आपके लिए भी आसान नहीं होगा, और डेफिनेटली आप भी अपना स्पेस चाहते होंगे। तो ये पर्सन इस वक्त ये फील कर रहा है जैसे कि वो रेडी नहीं है आपको फेस करने के लिए। ऑल्सो नाइन ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन अभी भी कुछ ना कुछ तो अपने ईगो से जुड़ा हुआ है, अभी भी ये पर्सन अपनी गलतियां मानने को तैयार नहीं है। ये पर्सन अभी भी ये सोच रहा है कि अगर वो आपके पास वापस आना चाहें तो उन्हें क्या कहना चाहिए, अपनी की हुई गलतियों का एक्सप्लेनेशन ढूंढ रहे हैं, एक्सक्यूजेस देंगे आपको। बट एवीज, ये पर्सन ये नहीं कहेगा आपसे कि उनसे गलती हुई है और वो अब चीजों को बदलना चाहते हैं या आपसे माफी चाहते हैं। ये पर्सन इस तरीके से चीजों को मोल्ड करना चाहेगा जैसे कि जो भी हुआ वो उनकी गलती नहीं थी, एंड वो उन्होंने हालात से मजबूर होके किया, जो भी हुआ उसका लेना देना इनडायरेक्टली किसी और चीज से था, और उन्होंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया। सो ये पर्सन अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए कोई ना कोई तरीका निकालेगा। ऑल्सो हमारे पास है फाइव ऑफ कप्स का कार्ड, तो ये पर्सन रिग्रेट भी कर रहा है एरीज अपने डिसीजंस को। ये पर्सन ऑलरेडी जानता है कि उन्होंने एक ब्यूटीफुल लवर को खो दिया है, एक ऐसे पर्सन को अपसेट किया है जो बार बार उनकी गलतियों को इग्नोर कर रहा था, जो बार बार रेड फ्लैग्स देखते हुए भी उन्हें मौका दे रहा था, जो कि काफी बड़ा दिल रखता था और उन्हें हर बार अपने आप को सुधारने का मौका दे रहा था। बट ऐसे पर्सन को वो समझ नहीं पाया, ऐसे पर्सन को भी उन्होंने लिमिट तक टेस्ट किया, ऐसे पर्सन को भी उन्होंने हर्ट किया। तो ये पर्सन अब फील कर रहा है जैसे कि वो अकेले है और चीजें उनके फेवर में वर्क नहीं कर रही हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स के साथ एरीज, ये वो पर्सन है जो बहुत देर से जागा है। ओके, अभी तक अपने रिलेशनशिप को ये दूसरों के स्टैंडर्ड से नाप रहे थे कि दूसरों के रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग उन्हें क्या मिलना चाहिए और क्या नहीं,
और मेरी ये पर्सन अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स की बात सुन रहा था, और इतनी ज्यादा सुन रहा था, इस हद तक सुन रहा था कि उन्होंने अपने दिमाग से सोचना ही बंद कर दिया। और शायद आपसे एक्सपेक्टेशन और ज्यादा बढ़ती गई। ये पर्सन अपनी गलतियों को देख नहीं पाया, और अब इस पर्सन को लग रहा है जैसे कि वो कहीं स्टक है। दिल पे एक बोझ है, अफसोस है, गिल्ट है, शेम है अपने एक्शंस को लेके। बट अभी तो उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, बिकॉज जैसा कि मैंने कहा, ये मेंटल लेवल पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, और यहां से कैसे बाहर निकलना है वो अभी इन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। हालांकि ये एक जर्नल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए एरीज। द हाई प्रीस्टेस, एट ऑफ कप्स, एट ऑफ वांड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर। ओके, सो हमारे पास है एट ऑफ कप्स। एट ऑफ कप्स के साथ इस पर्सन को ये भी रियलाइज हो रहा है जैसे कि उन्होंने बहुत गलत समय पे इस रिलेशनशिप से दूर जाना चूज किया। ऑलमोस्ट जब आप क्लोज आ ही गए थे कमिटमेंट के, जब आपको किनारा मिल ही गया था, अपनी डेस्टिनी मिल ही गई थी, तब इस पर्सन ने ऐसी गलती की। और अब इस पर्सन को ये भी फील हो रहा है जैसे कि धीरे धीरे आप उनसे दूर जाते ही जा रहे हैं। एट ऑफ वांड्स के साथ ये पर्सन ये महसूस कर रहा है जैसे कि आपके लाइफ में कोई नई एनर्जी है या उनकी जगह कोई और लेता जा रहा है। ये पर्सन ये महसूस कर रहा है एवीज जैसे कि आपके लाइफ में ऐसे लोग ऑलरेडी आ चुके हैं जो उनसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इनके मन के अंदर एक डर भी बैठा हुआ है, बट द एम्परर का कार्ड है तो ये पर्सन अभी भी ये मानता है कि वो हालात को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी भी इन्हें लगता है कि वो आपकी लाइफ में अपनी जगह बना सकते हैं। सो चूंकि यहाँ पे एट ऑफ वांड्स है तो ये पर्सन जल्दी ही शो अप करेगा आपके लाइफ में एक न्यू एनर्जी के तौर पे। एक बदला हुआ सा इंसान आपको ये लगेंगे, इन अ पॉजिटिव वे ऑफ कोर्स। तो मे बी आप ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए ये पैचअप अगले 8 दिनों में ही हो सकता है या 8 वीक्स भी लग सकते हैं। बट ये जो भी है ये बहुत ज्यादा दूर नहीं है और आपको बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज द एम्परर समझ गया है कि उन्हें नाइन ऑफ पेंटिकल्स वाली क्वीन की कद्र करनी पड़ेगी। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो डेफिनेटली आप उनसे दूर हो ही जाएंगे। द हाई प्रिस्टेस के साथ एरीज, इस पर्सन को ऐसा लगता है जैसे आप उन्हें अच्छी तरीके से समझते हैं, आप अच्छी तरीके से हर चीज को रीड कर सकते हैं, और ये पर्सन जानता है कि वो अब आपसे और कुछ छुपा नहीं सकते और वो आपसे झूठ बोल नहीं सकते, बिकॉज इन द एंड तो सब कुछ सामने आ ही जाएगा। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए और एक मैसेज क्या है एरीज। आर्कएंजल माइकल, ट्रस्टिंग हेवन, यू आर सेफ, एंजल स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न्स एंड अलाउ अ मिरेकल टू अकर। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप सेफ है, आर्चेंजल माइकल आपके साथ खड़े हैं, और यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए, हेवन पे ट्रस्ट कीजिए, अपने स्पिरिट गाइड, अपने हायर सेल्फ पे ट्रस्ट कीजिए। वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, तब भी जब आप उनसे खफा होते हैं या गुस्सा होते हैं किसी चीज को लेके। आपके ड्रीम्स जरूर पूरे होंगे और अपनी चिंताओं को छोड़ दीजिए, और जल्दी ही आप देखेंगे कि मिरेकल्स की तरह चीजें चेंज होंगी। आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ आउट ऑफ नोवेयर बदल रहा है और आपको आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही मिलेगा। तो यह है रीडिंग इस बारे में कि क्या आपका पैचअप होगा, और अगर होगा तो कब तक होगा। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।